मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत का टेलीकॉम कंपनियों से नेटवर्क्स को बढ़ाने का मुतालबा। वजीर सनत की जेर सदारत टेलीकॉम कंपनीज का इजलास। वजीर सनत का कहना था कि अपने शहरियों को मयारी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर की कनाडा की जानिब से रूसी टरबाइन वापस करने की मुखालफत। ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस कनेडियन इकदाम को कमजोरी के तौर पर देखेगा। कनेडियन हुकूमत अपना फैसला वापस ले। कनेडियन हुकूमत एयरपोर्ट पर तवील इंतजार से निपटने के लिए पुरअज़म। एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर कवायद में नरमी भी की जाएगी। एशियाई ममालिक आलमी ताकतों के मोहरे न बने। चीनी वजीर खारजा का आसियान सेक्रेटरीट से खिताब। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि हमारे खुत्ते का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होना चाहिए। प्यूटिन ने यूक्रेनी शहरियों को रूसी पासपोर्ट देने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रूसी शहरियत हासिल करने का निज़ाम और तरीक़ेकार तेज कर दिया गया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों में इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कनेडियन हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों से रॉजर्स की बंदिश के बाद नेटवर्क्स को बढ़ाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों से रॉजर्स की बंदिश के बाद नेटवर्क्स को बढ़ाने का मुतालबा किया है। वजीर सनत मुस्तकबिल में बंदिश की वजह से खिदमात में रुकावटों को कम करने के मंसूबे का मुतालबा कर रहे हैं। कनाडा के वजीर सनत का कहना है कि वो रॉजर्स और दीगर टेली कम्युनिकेशन कंपनियों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो कनाडा के सेलुलर और इंटरनेट नेटवर्क्स की सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक मंसूबा तैयार करें। जब गुज़िश्ता जुमे के रोज़ बड़े पैमाने पर बंदिश ने लाखों लोगों को ऑफलाइन छोड़ दिया और कुछ अहम खिदमात को मुतासिर किया। वजीरे सनत फ्रांसा शैम्पियन फ्लिप ने टेलीकॉम के CEOs बशमूल रॉजर्स की एक मीटिंग बुलाई ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की सर्विस की रुकावटों को रोकने के तरीकों पर बात की जा सके। उन्होंने कहा, मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि किसी गैर यकीनी सूरत में कंपनीज ये समझें कि कैनेडियन ने इस सूरत हाल को किस तरह नाकाबिले कबूल पाया और उन्हें कनाडा में हमारे नेटवर्क की लचक को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इब्तदाई इकदाम करने की जरूरत है। रॉजर्स ने अभी तक मुकम्मल तौर पर वजाहत नहीं की कि बंदिश की वजह क्या है। हुक्काम ने हफ्ते के रोज एक बयान जारी किया कि जिसमें बहाली की ताज़ाकारी के बाद नेटवर्क सिस्टम की नाकामी का इल्ज़ाम लगाया गया था। उन्होंने मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। शैम्पियन ने कहा कि कैनेडियन रेडियो टेलीविजन और टेलीकम्युनिकेशन बंदिश की तहकीकात शुरू करेगा। CBC को जारी करदा एक बयान में आज़ाद इदारे ने तहकीकात के मंसूबों की तस्दीक नहीं की। शैम्पियन ने कहा कि इस दौरान वो सार्फीन पर मुस्तकबिल में बंदिश के असरात को कम करने के लिए कंपनियों को 60 दिनों के अंदर एक मंसूबा तैयार करते देखना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि मॉस्को कनाडा के रूसी टरबाइन को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने के फैसले को कमजोरी के तौर पर देखेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि मॉस्को कनाडा के टरबाइन को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने के फैसले को कमजोरी के तौर पर देखेगा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि ये इकदाम बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ओटावा से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आयद पाबंदियों में फंसे जर्मनी को कुदरती गैस की टरबाइंस वापस करने के फैसले पर कनाडा की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस इकदाम को बिल्कुल नाकाबिले कबूल करार दिया और खबरदार किया कि मॉस्को इसे कमजोरी की अलामत के तौर पर देखेगा। कनाडा मुरम्मत शुदा रूसी टरबाइन वापस करेगा। जर्मनी के यूक्रेन के एतराजात के बावजूद इसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की जरूरत है। कुदरती वसाइल के वजीर जोनाथन बिलिंगसन ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से रूस पर अपनी मौजूदा पाबंदियों को वक्त के लिए महदूद और मनसूखी के काबिल इस्तिस्ना देने के बाद ये टरबाइन जर्मनी वापस जा रहे हैं। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब कनाडा ने यूक्रेन पर अपने हमले के जवाब में रूसी एजेंट्स और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ज़ेलेंस्की ने पीर के रोज अपने रात के खिताब में कहा, अगर कोई दहशतगर्द रियासत पाबंदियों में इस तरह की रियायत को खत्म कर सकती है तो वो कल या परसों क्या इस्तिस्ना चाहेगी। मजीद ये कि ये न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि जमहूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए भी खतरनाक है।
कनाडा की वफाकी हुकूमती हवाई अड्डों पर तवील इंतज़ार के मसले पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। इन मसाइल की वजह से सयाहों की वापसी मुश्किल हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत हवाई अड्डों पर तवील इंतजार के मसले पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है, जिसकी वजह से सयाहों की वापसी मुश्किल हो रही है। हुकाम सिक्योरिटी स्क्रीनिंग अफसरान के लिए फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग करेंगे और नए कस्टम क्यूसी खोले जाएंगे। वफाकी हुकूमत नए इकदाम कर रही है, जिसका कहना है कि हवाई अड्डों पर ताखीर का अजाला किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ मुसाफिर अपनी आमद के बाद घंटों तैयारों पर इंतजार करते हैं और उनकी परवाजें भी मुकम्मल तौर पर छूट जाती हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अलगाबरा ने कहा कि हवाई अड्डे पर काम करने वाले टैक्सी ड्राइवरों से लेकर सामान के हैंडलर्स तक अब इस मुतालबे के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं कि मजीद कैनेडियन सफर कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। वजीर ने पीर को ओटावा में कहा, हम जो कुछ देख रहे हैं वो मांग और रसद में नुमाया इजाफा है। अलगाबरा ने हवाई अड्डों पर दबाव कम करने के लिए नए इकदाम का ऐलान किया, जिनमें जून के आखिर तक मुल्क भर के हवाई अड्डों पर काम करने वाले 400 नए सिक्योरिटी स्क्रीनिंग अफसरान की ट्रेनिंग को तेज करना, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग अफसरान को गैर स्क्रीनिंग काम करने की इजाजत देना जो अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है, प्रोसेसिंग के वक्त को तेज करने के लिए टोरंटो के पियर्सन बैन अलावामी हवाई अड्डे पर 25 नए बॉर्डर सर्विसेज क्यूसी के इजाफे जैसे इकदाम शामिल हैं। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि एशियाई ममालिक आलमी ताकतों के हाथों शतरंज के मोहरे ना बने, हमारे खत्ते का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि एशियाई ममालिक आलमी ताकतों के हाथों शतरंज के मोहरे ना बने, हमारे खत्ते का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होना चाहिए। बैन अलावामी मीडिया के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने इंडोनेशिया में आसियान के सेक्रेटेरिएट से खिताब करते हुए कहा कि एशियाई ममालिक आलमी ताकतों के हाथों शतरंज के मोहरे ना बने। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि खत्ते के बहुत से ममालिक पर फरीक बनने के लिए दबाव है, खत्ते को जोग्राफियाई सियासी एतबार से अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे खत्ते का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होना चाहिए। चीन ने चंद रोज कबल अफगानिस्तान के लिए तजारती और सरमायाकारी के मंसूबों का ऐलान करते हुए कहा था कि जलजला जदगान की इमदाद के लिए $37 मिलियन दिए जाएंगे। चीन की जानिब से कहा गया था कि अफगानिस्तान के लिए हमारे पास इक्तिसादी तामीर नौ के तवील मुद्दती मंसूबे हैं, जिसमें तिजारत को तरजीह दी जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी शहरियों के लिए रूसी शहरियत हासिल करने के निजाम और तरीक़ेकार को तेज करने से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी शहरियों के लिए रूसी शहरियत हासिल करने के निजाम और तरीक़ेकार को तेज करने से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बैन अलावामी खबर रसा इदारों के मुताबिक कुछ अरसा कबल तक सिर्फ यूक्रेन के इलाकों मशरकी डोनेस्टिक और लुहानसिक के अलावा चंद दीगर इलाकों के रहायशियों के लिए ये सहूलत दस्तियाब थी। ताहम सदर पुतिन के ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक रूसी शहरियत के हुसूल की अहलियत के मयार को वसी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि ताज़ा तरीन रूसी कार्रवाइयों में अहम यूक्रेनी शहर खारकीव को भी निशाना बनाया गया है। इलावा अजी गुज़िश्ता दिनों में यूक्रेन की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने की इत्तला भी मीडिया पर नशर की गई, जिसमें दर्जनों शहरियों की हलाकत रिपोर्ट की गई। दूसरी जानिब यूक्रेन की जानिब से रूसी हमलों को मुकम्मल दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। सदर पुतिन की जानिब से नए हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद से यूक्रेन की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।